गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे क्लास 12th के इकोनॉमिक्स के बुक इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट से थर्ड चैप्टर एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड फॉरेन ट्रेड के बारे में। सबसे पहले हम जानेंगे कि एग्रीकल्चर सिंपली क्या है और मेनली इकोनॉमिक्स में हम लोग उसके रोल और इम्पोर्टेंस को पढ़ेंगे कि हमारी इंडियन इकोनॉमी के लिए एग्रीकल्चर का क्या इम्पोर्टेंस है, क्या क्या उसमें समस्याएं हैं और कैसे हम उसको दूर कर सकते हैं। तो सिंपल से एग्रीकल्चर का मीनिंग जो हुआ ये हुआ आर्ट एंड साइंस ऑफ प्लांट्स एंड कल्टिवेटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। देखिए, बहुत सारे लोग एग्रीकल्चर का मतलब सिर्फ फार्मिंग ही समझते हैं, तो यहाँ पे फार्मिंग के साथ साथ जो है लाइव स्टॉक का भी रेजिंग करना, उनका मैनेजमेंट करना, ये सब भी हमारा, यानी एनिमल्स को पालना भी हमारा एग्रीकल्चर के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, यानी फसल कैसे उगाना है, उसके प्रोडक्टिविटी को कैसे बढ़ाना है, कब कौन से फसल को उगाना है, इसके अलावा जो भी हम लोग जंतुओं के ब्रीडिंग से, रेजिंग से जो भी करते हैं, जैसे गाय पालना, बकरी पालना, मुर्गी पालना, है ना, यानी जानवरों के भी रख रखाव और पालन पोषण को हम लोग एग्रीकल्चर में इंक्लूड करते हैं, यानी पशुपालन। ठीक, तो खेती के साथ साथ पशुपालन, ये दोनों ही मिलाकर के आपका होता है एग्रीकल्चर। अब है कि इस एग्रीकल्चर का हमारे देश के जीडीपी में, हमारे देश की इकोनॉमी में, अर्थव्यवस्था में इसका क्या महत्व है। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंस है उसमें लिखा गया है कि इंडियन एग्रीकल्चर कंट्रीब्यूट्स टू जीडीपी। भारतीय जो कृषि है यानी एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से, यानी कल्टीवेटिंग प्लांट्स एंड एनिमल्स से जो भी प्रोडक्शन होता है, वो प्रोडक्शन हमारे देश के जीडीपी का हिस्सा होता है। जीडीपी का मतलब आप जानते हैं कि हमारे देश की इकोनॉमी में, हमारे देश में एक साल में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस किए जाते हैं उनके मार्केट वैल्यू को ही हम जीडीपी बोलते हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर से भी, यानी प्लांट्स और एनिमल्स से भी जो भी हमारे पास उसका जो प्रोडक्शन हुआ है, उस प्रोडक्शन को हम अपने देश के जीडीपी में इंक्लूड करते हैं। और लिखा गया है कि प्लानिंग पीरियड के दौरान, यानी जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान हमारे देश में बना 1951 में, उस समय से लेकर के और अभी तक 2012 तक जितने भी 5 ईयर प्लान बने, उस 5 ईयर प्लान के दौरान जो है जीडीपी में एग्रीकल्चर का हिस्सा 51% से 17.4% के बीच में रहा, अलग अलग सालों में अलग अलग रहा। तो ये मेन रेंज है इस प्लानिंग पीरियड के दौरान जीडीपी का। यानी इसमें देखा गया कि जब फर्स्ट 5 ईयर प्लान बनाया गया उस समय जीडीपी में टोटल कंट्रीब्यूशन जो एग्रीकल्चर सेक्टर का था वो 51% था, और लास्ट 5 ईयर प्लान तक ये घट के 17.4% तक में आ गया। इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग एग्रीकल्चर का जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन था वो धीरे धीरे कम होते गया। तो कम होने का मतलब ये नहीं कि एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस नहीं रहा, एग्रीकल्चर का इम्पोर्टेंस है, क्योंकि हमको खाने पीने के लिए जो भी सामान चाहिए या वो बाकी सारे सेक्टर के लिए बेस है। कंट्रीब्यूशन घटने का मतलब ये इंडिकेट करता है कि समय के साथ साथ हमारे देश में सेकेंडरी सेक्टर और सर्विस सेक्टर का कंट्रीब्यूशन जो है वो जीडीपी में बढ़ गया। ठीक, तो उन सेक्टर का कंट्रीब्यूशन बढ़ने की वजह से एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन जीडीपी में कम हो गया, लेकिन इंपॉर्टेंस उसका कम नहीं हुआ। दूसरा लिखा गया है सोर्स ऑफ लाइवलीहुड, यानी बहुत सारे लोगों के लिए जो है ये सेक्टर रोजगार इंप्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है। आज देखिए जो भी स्थिति हुआ है पैंडेमिक की वजह से महामारी की वजह से, तो बहुत सारे लोग, सारे सेकेंडरी सेक्टर सर्विस सेक्टर बंद है, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर आज भी खुला हुआ है और सारे लोग उधर ही शिफ्ट कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि हमारे देश में जितना भी वर्किंग पॉपुलेशन है, पूरे इंडिया में जितने सारे लोग काम करते हैं इंप्लॉयमेंट सेक्टर में है, उसमें 49% लोग आज भी इम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर से ही जुड़े हुए हैं, यानी उनका जीविकोपार्जन जो है, उनका रोजगार जो है वो इम्प्लॉयमेंट सेक्टर जो है, उनका इम्प्लॉयमेंट वो एग्रीकल्चर में ही है।
और गांव में रहने वाले जितने लोग हैं, गांव के 80% वर्किंग पॉपुलेशन, गांव में जितने लोग काम करते हैं जो किसी भी ना किसी तरह से इम्प्लॉयड हैं, उसमें से 80% लोग जो हैं वो एग्रीकल्चर सेक्टर पर ही डिपेंड हैं। यानी इस तरह से हमारे देश के बहुत बड़े हिस्से को, बहुत बड़े जनसंख्या को जो है, लगभग देश का आधा जनसंख्या जो है वो अपना रोजी रोटी जो है, अपना जीविकोपार्जन जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर से ही करता है। थर्ड लिखा गया है सोर्स ऑफ फूड ग्रेन्स। देखिए फूड ग्रेन के प्रोडक्शन में हमारा देश सेल्फ सफिशियंट है, यानी हमारे देश में जो 135 करोड़ 137 करोड़ जो आज जनसंख्या है, उस पूरे जनसंख्या को तीनों टाइम का खाना, किसी किसी को चार टाइम का खाना जो है वो एग्रीकल्चर सेक्टर ही देता है। इसके अलावा लगभग 25 करोड़ हमारे यहाँ जीव जंतु हैं, पशु हैं, और इनका भी जो भी भोजन है, चारा है, ये सब हमें एग्रीकल्चर सेक्टर ही देता है। यानी इंसानों के साथ साथ जानवरों के भी भोजन का सारा जो है बंदोबस्त ये एग्रीकल्चर सेक्टर ही करता है, यानी हमारे साथ साथ फूड और पॉडल दोनों ही प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट लिखा गया है सप्लाई ऑफ रॉ मटेरियल्स। रॉ मटेरियल्स यानी वैसे सामान जो प्रोड्यूसर किसी से खरीदता है और उसको किसी आउटपुट में चेंज करता है, किसी दूसरे यूजफुल सामान में चेंज करता है। तो कह रहा है कि एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक ऐसा सेक्टर है जो बहुत सारे ऐसे गुड्स का प्रोडक्शन करता है जिस गुड्स को इनपुट के रूप में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर यानी सेकेंडरी सेक्टर परचेज करता है किसानों से और उससे कोई दूसरा यूजफुल सामान बनाता है। जैसे एग्जाम्पल में लिखा गया है कि टेक्सटाइल यानी कपड़ा बनाने के लिए कॉटन खरीदे जाते हैं, जो कॉटन कहाँ से आता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से आता है। चीनी बनाने के लिए चीनी मिल जो है वो सुगर केन खरीदते हैं, तो सुगर केन कहाँ से आएगा, एग्रीकल्चर सेक्टर से आएगा। तेल बनाने वाले जो भी हम लोग तेल, चाहे वो बाल में लगाते हो या खाते हो, है ना, नारियल तेल हुआ, सरसों तेल हुआ, बहुत सारे बादाम के तेल हुए, तो जो ना ये सब जो भी तेल निकाले जाते हैं वो तेल निकालने वाली कंपनियां इन सारे सीड्स को एग्रीकल्चर सेक्टर से ही खरीदती है। ठीक है, तिलहन जिसको हम बोलते हैं। लिखा गया है नेक्स्ट इंडस्ट्रियल गुड्स के डिमांड का भी सोच है। देखिए इंडस्ट्रियल गुड्स यानी जो इंडस्ट्री सेक्टर बना रही है, तो बहुत सारा ऐसा प्रोडक्ट है जो हमें खेती करने के लिए जरूरी होता है। जैसे आजकल आप देखें टेक्नोलॉजी के सेंस में हार्वेस्टर हो गया फसलों की कटाई के लिए, ट्रैक्टर हो गया, है ना, बहुत सारे और भी इक्विपमेंट्स हो गए। इसके अलावा आपको केमिकल फर्टिलाइजर हुआ, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड हुआ, तो इन सब का जो प्रोडक्शन है वो प्राइमरी सेक्टर नहीं करता, ट्रैक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं बनाता, ट्रैक्टर बनाने का काम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है वो करता है। लेकिन उस ट्रैक्टर का इस्तेमाल कौन करेगा, किसान। हार्वेस्टर का इस्तेमाल कौन करेगा, किसान। केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल कौन करेगा, किसान। तो इस तरह से जो है हमारे फार्मर्स जो है इस तरह इंडस्ट्री में तैयार हुए फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स या ट्रैक्टर्स, हार्वेस्टर्स या दूसरे इक्विपमेंट्स, कैपिटल गुड्स किसान खरीदते हैं, है ना, इंडस्ट्रियल सेक्टर से, और इसको अपने प्रोडक्टिविटी को, टोटल प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए यूज करते हैं। तो इस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर जो है एक कस्टमर के रूप में भी काम करता है सेकेंडरी सेक्टर के प्रोडक्ट के लिए। नेक्स्ट लिखा गया है कि सरकार के लिए एक बहुत बड़े रेवेन्यू में भी अपना कंट्रीब्यूशन रहता है। देखिए सरकार को जमीन से लैंड होल्डिंग टैक्स के रूप में, लैंड रेवेन्यू के रूप में बहुत बड़ा अमाउंट जो है सरकार अर्न करती है, इसलिए इसको कहा गया कि कंट्रीब्यूशन टू गवर्नमेंट रेवेन्यू, कोई कंट्रीब्यूशन टू डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देखिए डोमेस्टिक ट्रेड करने का मतलब कि हमारे ही देश के अंदर में, है ना, जो भी हम लोग होलसेल या रिटेल ट्रेड करते हैं उसको डोमेस्टिक ट्रेड कहा गया। तो बहुत बड़ी संख्या में बहुत सारे ऐसे व्यापारी हैं जो किसानों से सामान खरीदते हैं होलसेल में और उसको रिटेलर को बेचते हैं, रिटेलर कस्टमर को बेचते हैं। यानी हमारे देश का एक बहुत बड़ा जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट को खरीदने में अपना अमाउंट खर्च करता है। चावल हुआ, गेहूं हुआ, आटा हुआ, प्रोड्यूसर जो है इसको किसानों से खरीदते हैं, होलसेलर किसानों से खरीदते हैं, और वही सामान रिटेलर के थ्रू कस्टमर तक पहुंचता है। एक साधारण अगर हम सब्जी को लेते हैं तो लगभग हर दिन 100 रुपए हम अगर सब्जी पे खर्च करते हैं तो एक परिवार 3,000 रुपए महीने में सब्जी
सब्जी पे खर्च करता है। तो इस तरह से जो है डोमेस्टिक ट्रेड में हमारा जो है कंट्रीब्यूशन होता है एग्रीकल्चर सेक्टर का, और इंटरनेशनल ट्रेड यानी एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में भी है। बहुत सारे हमारे ऐसे प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चर सेक्टर से आने वाले जिनको हम अपने देश से दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। मुख्य रूप से उसमें चाय हुआ, कॉफी हुआ, मसाले हुए, काजू हुए, तंबाकू हुए, है ना। तो बहुत सारे ऐसे सामान हैं जो एग्रीकल्चर सेक्टर से आते हैं और हम उनको दूसरे देश में एक्सपोर्ट करते हैं। इवन बहुत सारे ऐसे पशु भी हैं जिनको हम एक्सपोर्ट करते हैं, ठीक। इस एक्सपोर्ट से हमारे देश में जो फॉरेन करेंसी आता है उस फॉरेन करेंसी का इस्तेमाल हम दूसरे इंपोर्ट किए हुए सामान के पेमेंट के रूप में यूज कर सकते हैं। जैसे हमको दूसरे देश से कच्चा तेल खरीदना पड़ता है, दूसरे देश से हमको कैपिटल गुड्स खरीदने पड़ते हैं, टेक्नोलॉजी खरीदना पड़ता है, तो उसके लिए हम लोग उस डिफेंस गुड्स को खरीदना पड़ता है, तो उस इंपोर्ट के पेमेंट के लिए हमको फॉरेन करेंसी की जरूरत पड़ती है और वो फॉरेन करेंसी इनके एक्सपोर्ट से आता है। लास्ट है सपोर्ट टू ट्रांसपोर्ट। देखिए हर एक सामान जो है वो हर जगह अवेलेबल नहीं होता है, लेकिन उसकी जरूरत हर जगह होती है। हमारे यहाँ मुख्य रूप से दार्जिलिंग असम साइड में चले जाएंगे उधर चाय का प्रोडक्शन होता है, लेकिन हम लोग जो है वहां से काफी दूर बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश में रह के भी महाराष्ट्र में भी चाय पीते हैं। यानी जो सामान प्रोड्यूस किया गया असम में उस सामान को कस्टमर तक पहुंचाए जाने के लिए जो हम यूज करते हैं संसाधन उसी को ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। और अगर ये सामान न होते तो शायद इस ट्रांसपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ते, पहुंचाने की जरूरत ही ना पड़ते। तो इस तरह से लिखा है कि जो सामान एक जगह प्रोड्यूस किया गया दूसरे जगह उसको अवेलेबल कराना है तो उसके लिए बहुत ही बड़ी मात्रा में रोडवेज और रेलवेज को सपोर्ट के रूप में यूज किया जाता है। यानी ट्रक हो गए, पिकअप हो गए, है ना, मालगाड़ी हो गया, तो ये सब बहुत सारे ऐसे कैरियर हैं जिसपे हम बहुत बड़ी मात्रा में सामान को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को पहुंचाते हैं, और इस तरह से ट्रांसपोर्ट सेक्टर में भी एग्रीकल्चर अपना कंट्रीब्यूशन देता है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर का हमारे देश में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। इसके थ्रू सबसे बड़ा महत्वपूर्ण बात यह है कि देखिए पूरे देश की जनसंख्या को ये भोजन देता है, पूरे देश के जंतुओं को ये भोजन देता है। इसके साथ साथ हमारे देश का लगभग 50% जो है वर्किंग पॉपुलेशन इसी सेक्टर से अपना लाइवलीहुड अर्न करता है, और पूरे जितने रूरल पॉपुलेशन है, रूरल वर्किंग पॉपुलेशन, उसका तो लगभग 80% हमारा वर्किंग पॉपुलेशन जो है एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड है। तो इस तरह से एग्रीकल्चर जो है वो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हमारे देश के इकोनॉमिकल ग्रोथ में, ठीक है। अभी हमने देखा कि इंडियन इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का क्या इंपॉर्टेंस है। आगे हम लोग देखते हैं इंडियन इकोनॉमी के कुछ मेन फीचर्स के बारे में, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में। सबसे पहला जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो लिखा गया है डिपेंडेंस ऑन रेनफॉल। भारत में देश आजाद होने के समय एग्रीकल्चर की स्थिति बहुत बुरी थी, जैसा कि आप पहले चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। देश आजाद होने के बाद अंग्रेजों के गुलामी से हटने के बाद भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन को एस्टैब्लिश किया, और जो फर्स्ट फाइव ईयर प्लान हमारे देश में बनाया गया 1951 टू 1956 उसका मेन फोकस था एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप करना। यानी देश आजाद होने के बाद बहुत सारे ऐसे योजनाएं बनाई गई जिससे हम एग्रीकल्चर सेक्टर को डेवलप कर सकें। इरिगेशन के भी बहुत सारे साधन तैयार किए गए, कई सारे डैम्स बनाए गए, कई सारे कैनाल्स बनाए गए, लेकिन आज भी इतना होने के बाद भी हमारे देश का मात्र 45-47% ही हिस्सा ऐसा है एग्रीकल्चरल लैंड का जहां प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी पहुंच पाया है। यानी 50% से भी ज्यादा अभी भी हमारे यहाँ एग्रीकल्चरल लैंड ऐसे हैं जहां पे प्रॉपर इरिगेशन फैसिलिटी नहीं है ना, और वहां का जो एग्रीकल्चर है, वहां का जो प्रोडक्शन है, वो आज भी डिपेंड है रेनफॉल पे। अच्छी बारिश होगी तो ये माना जाएगा कि फसल अच्छा होगा, अगर रेनफॉल अच्छा नहीं हुआ तो फसल अच्छा नहीं होगा। अच्छी बारिश कहने का मतलब ये नहीं कि बहुत ज्यादा बारिश,
जैसे हमारे बॉडी को कहा जाए कि 4-5 लीटर पानी पर डे पीना चाहिए, उतना बॉडी के लिए रिक्वायर्ड है। पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है, इसलिए अच्छी मात्रा में पानी पिए। तो अच्छी मात्रा में पानी पीने का मतलब क्या हुआ कि जनरली 4-5-6 लीटर मैक्सिमम पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर 10 लीटर पी ले तो तबीयत खराब हो जाएगा। उसी तरह से इसमें भी कहा गया कि अगर हमें अच्छा फसल चाहिए तो अच्छी बारिश यानी जो रिक्वायर्ड बारिश है उतनी होनी चाहिए, जरूरत से ज्यादा होगा तो बाढ़ आएगा तो भी सारा नुकसान हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा जो एग्रीकल्चर है वो आज भी उसका फसल रेनफॉल पे ही डिपेंड करता है। अच्छा, गुड रेनफॉल मीन्स गुड हार्वेस्ट, बैड रेनफॉल मीन्स बैड हार्वेस्ट। दूसरा हमारा जो है फीचर, सेमी कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग। देखिए, फार्मिंग को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, एक होता है सबसिस्टेंस फार्मिंग, दूसरा होता है कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग। सबसिस्टेंस फार्मिंग का मतलब कि प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, यदि हम कोई भी फसल उगाते हैं तो वो सिर्फ इतना ही उगाते हैं कि हम और मेरा परिवार साल भर उससे हम तब खाने पीने का काम चल जाए, सेल्फ कंजम्पशन के लिए, उसमें से हमको सरप्लस अमाउंट बेचना नहीं है मार्केट में, तो उसको हम सबसिस्टेंस फार्मिंग बोलते हैं। और दूसरा कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग का मतलब हो गया कि हम फसल का उत्पादन करते हैं, फसल उगाते हैं, अपना जो है नीड उससे फुलफिल कर लेते हैं, उसके अलावा भी हमारे पास सरप्लस बचता है उसको हम मार्केट में सेल करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग। बहुत सारा ऐसा फसल होता है जो सिर्फ कंजम्पशन के भी पर्पस से नहीं बल्कि सिर्फ मार्केट में ही उसको सेल करने के पर्पस से उगाए जाते हैं, तो वो सब कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग करना है। हमारे देश का जो एग्रीकल्चर है वो आज की तारीख में ना ही पूरी तरह से सबसिस्टेंस है और ना ही पूरी तरह से कमर्शियलाइज्ड है, इसलिए इसको कहा गया कि आज भी हमारे देश में सेमी कमर्शियलाइज्ड फार्मिंग है। बहुत सारे स्मॉल फार्मर्स हैं, पुअर फार्मर्स हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो सरप्लस, उनकी प्रोडक्टिविटी उनके जमीन की कम होती है, फसल जितना होना चाहिए नहीं हो पाता है, और इस वजह से जो है उसको मार्केट में वो सरप्लस को सेल नहीं कर पाते हैं, सिर्फ कंजम्पशन पे उनका सारा फसल समाप्त हो जाता है, या बहुत थोड़ा बहुत बचता है तो उतना ही वो सेल कर पाते हैं, जैसे 1-2 क्विंटल हुआ सेल कर दिया हो गया है ना, किसी को 2-4 किलो हुआ सेल कर दिया हो गया, यानी बड़ी मात्रा में उससे रेवेन्यू बहुत नहीं हो पाता। तो इस तरह से जो है हमारा एग्रीकल्चर आज भी सेमी कमर्शियलाइज फार्मिंग है। लिखा ही क्या है कि फार्मर्स फेल टू जनरेट इनफ सरप्लस फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी इतना हम नहीं प्रोडक्शन कर पाते कि हम जो है ज्यादा से ज्यादा मात्रा में सेल करके और उसे एक बड़ा अमाउंट अर्न कर सके, कहीं इन्वेस्ट कर सके। तीसरा फीचर है मल्टीप्लिसिटी ऑफ क्रॉप्स, और इस फीचर के लिए हमको धन्यवाद देना चाहिए नेचर को, प्रकृति को, क्योंकि उन्होंने भारत को ऐसा बनाया ही। कहने का मतलब कि हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग तरह का क्लाइमेट है, कहीं खूब ज्यादा सर्दी, कहीं खूब ज्यादा गर्मी, कहीं ना खूब सर्दी ना खूब गर्मी, कहीं अच्छी बारिश, कहीं बिल्कुल बारिश नहीं। कई टाइप्स के हमारे यहाँ मिट्टी है, सॉयल है, जो आप पढ़े होंगे ज्योग्राफी में नीचे के क्लासों में, है ना, रेड सॉयल, ब्लैक सॉयल, एलुवियल सॉयल, बहुत सारे मिट्टी के टाइप्स हैं। तो हर मिट्टी का जो है फसल अपना अलग अलग उस पे होता है, ऐसा नहीं है कि जिस मिट्टी का एक फसल उगाए उसी मिट्टी पे दूसरा फसल भी उगा सकते हैं, तो ऐसा नहीं होता है। हर मिट्टी का अपना एक स्पेशलाइज्ड फीचर होता है, उस पे स्पेशल जो है एक स्पेसिफिक फसल ही हम उस पे उगा सकते हैं, ठीक है। तो कहा गया कि भारत में चूंकि क्लाइमेट में बहुत ज्यादा वेरिएशन है और कई तरह के सॉयल जो है यहाँ पे पाए जाते हैं, जिसकी वजह से भारत जो है कई तरह के फसल का उत्पादन करने में सफल हो पाता है। जो अगला फीचर है उसमें लिखा गया है प्री डोमिनेंस ऑफ स्मॉल फार्मर्स। स्मॉल फार्मर्स यानी छोटे किसान, कहने का मतलब कि जिनके पास जमीन कम है। देखिए, इसका एक बहुत बड़ा रीजन है सब डिवीजन। सब डिवीजन जो है यानी कि बंटवारा जो परिवार का होते जा रहा है, जैसे जैसे हमारा पीढ़ी बढ़ता है, जनसंख्या बढ़ता है, तो देखिए मान लीजिए कि एक मिस्टर ए है, इनके पास टोटल 20 कट्ठा जमीन है, ठीक है, इनके 2 बेटे हुए बी और सी, तो इनके पास
20 कट्ठा था, उनके पास 10 कट्ठा हो गया, इनके पास 10 कट्ठा हो गया। अब देखिए जनरली जो है कॉमन बेसिस पे ऐसा तो होता नहीं है कि कोई खूब ज्यादा जमीन जो है खरीद रहा है और आगे बढ़ा रहा है ना। जमीन खरीदना आसान बन नहीं गया है, तो इनके द्वारा जो जमीन तैयार किया गया था या इनके पूर्वजों द्वारा जो किया गया था जिसमें इनको 20 कट्ठा का हिस्सा मिला, उसमें से 10-10 कट्ठा ही अपने दो बेटों को बांट दिए। इसके बाद फिर परिवार आगे बढ़ा, इनके दो बच्चे हुए डी और ई, तो इस 10 कट्ठे में से 5 कट्ठा इनका हो गया, 5 कट्ठा इनका हो गया। उसी तरह से इनके दो बच्चे हुए तो इनका 5-5 कट्ठा हो गया। ठीक, कहने का मतलब कि जैसे जैसे आपका पॉपुलेशन बढ़ा, पीढ़ी जनरेशन बढ़ा, जमीन का जो ओनरशिप है वो कम होते गया। इस तरह से फार्मर्स जो एक बड़े फार्मर्स कहलाते थे, उनका आगे आने वाला जनरेशन अब एक स्मॉल फार्मर कहलाएगा, क्योंकि उसके पास स्मॉल होल्डिंग। ठीक है, तो इस तरह से कह रहा है कि सब डिवीजन, जो जनसंख्या बढ़ने की वजह से ये सब डिवीजन हो रहा है, इस सब डिवीजन की वजह से जो है हमारे किसान बड़े किसान से छोटे किसान होते जा रहे हैं। इसके अलावा फ्रेगमेंटेशन, यानी फ्रेगमेंटेशन का मतलब कि एक जमीन, एक आदमी का जमीन कई जगह बिखरा हुआ, यानी मान लीजिए कि इनको जो 5 कट्ठा जमीन दिया गया है तो हो सकता है कि 2 कट्ठा इनका कहीं और है, 1 कट्ठा कहीं और है और 1 कट्ठा कहीं और है ना, और आधा आधा कट्ठा कहीं और। तो इस तरह से इनका जमीन कई जगह छोटे छोटे हिस्सों में बटा हुआ रहेगा, जिससे इनको एग्रीकल्चर में यानी कॉस्टिंग जो है प्रोडक्शन में बहुत ज्यादा आ जाएगा, तो इनको ज्यादा बेनिफिट नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से सब डिवीजन और फ्रेगमेंटेशन यानी कई जगह पे जमीन का बिखरा होना, इसकी वजह से जो है किसानों के पास लैंड होल्डिंग कम हो गया, ओनरशिप लैंड जितना होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, जिस वजह से किसान हमारे यहाँ के छोटे किसानों की संख्या बढ़ते जा रही है। नेक्स्ट है डिस्गाइज्ड एंड सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, पढ़े होंगे आप लोग कि किसी काम में जितने लोगों की जरूरत है उससे ज्यादा लोग अगर लगे हुए हैं और उसमें से 2 लोगों को हटा भी दिया जाए तो टोटल प्रोडक्शन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उसको हम लोग डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। यानी मान लीजिए कि ये कोई लैंड है, इस लैंड में 6% काम करते हैं और ये 6 लोग मिल करके 50 केजी का प्रोडक्शन करते हैं। ठीक, इसी परिवार का 2 आदमी जो बाहर किसी फैक्ट्री में काम करता था, लॉकडाउन होने की वजह से वो अपने घर को वापस आ गया, तो अब इसमें वापस आने के बाद ये दोनों भी अब इसी में लग जाएंगे, इसी में काम करेंगे, लेकिन इस लैंड की प्रोडक्टिविटी जो है मैक्सिमम 50 केजी थी, तो अब 8 लोग भी मिल करके जो है टोटल प्रोडक्शन कितना करेंगे 50 केजी। यानी अब इस 2 आदमी को फिर से अगर लॉकडाउन खुलता है और इन दोनों को वापस भेज दिया जाए तो भी टोटल प्रोडक्शन कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो ये 2 लोगों को डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट कहा जाएगा। और ये गांव में ज्यादा देखने को मिलता है, एक तो ज्वाइंट फैमिली सिस्टम है वहां इस वजह से, और दूसरा रीजन ये है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को छोड़ करके गांव में सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में अपॉर्चुनिटी बहुत कम है, यानी उस तरह के जॉब्स वहाँ अवेलेबल नहीं है, इसलिए लगभग परिवार के सभी लोग इसी काम में इंगेज होते हैं जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम अराइज होता है। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया कि देखिए हर एक फसल का अपना एक सीजन होता है कि किस समय उसको बोना है किस समय काटना है, बाकी समय उसको छोड़ दिया जाता है, तो जिस समय बोने और कटने का समय होता है उस समय तो उनको काम मिल जाएगा, लेकिन जब उसको 2-3 महीने तक के लिए छोड़ना है उस समय तक वो हम तो कोई काम नहीं रहेगा खेतों में, हम बेरोजगार की तरह बैठे रहेंगे, तो उसको बोलते हैं सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। इसलिए लिखा गया है कि देखिए सेकेंडरी और सर्विस सेक्टर में काम की कमी होने की वजह से मेनली जो है डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट अराइज होता है, और हमारे फसल का जो सीजनल नेचर होता है कि कब उसको लगाना है कब काटना है, तो इसकी वजह से साल में कम से कम 4-5 महीना हमारे किसान अनएम्प्लॉयड बैठ जाते हैं, जिसको हम लोग सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट बोलते हैं। इसके अलावा आउटडेटेड फार्म टेक्निक्स, देखिए खेती में प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए यानी पर हेक्टेयर जो हमारा प्रोडक्शन है लैंड में उसको बढ़ाने के लिए बहुत सारे सरकार ने इनिशिएटिव्स शुरू किए, सब्सिडीज भी देने शुरू किए,
लेकिन हमारे देशों में हमने पढ़ा कि जो स्मॉल फार्मर्स हैं इनका प्रीडोमिनेंट है, यानी कि हमारे देशों में छोटे फार्मर की संख्या बहुत अधिक है। बहुत सारे तो फार्मर्स ऐसे हैं जिनके पास अपना लैंड भी नहीं है, तो इस वजह से जो है छोटे और गरीब किसान होने की वजह से जो नए टेक्निक्स, नए टेक्नोलॉजी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए डेवलप किए गए हैं या मार्केट में जो भी डेवलप है अवेलेबल है उसको ये किसान खरीद नहीं पाते, है ना। या कम जमीन होने की वजह से मान लीजिए किसी को 2-4 कट्ठा, 5 कट्ठा, 10 कट्ठा जमीन है जोतना है, तो उसके लिए ट्रैक्टर की क्या जरूरत है, है ना। तो मान लीजिए कि हमारे पास कम जमीन है या कम हमारे पास काम है तो हम बड़े कैपिटल गुड्स में इन्वेस्टमेंट क्यों करें ज्यादा। तो इस वजह से लिखा है कि ज्यादातर हमारे यहाँ स्मॉल फार्मर्स है, पुअर फार्मर्स है, और इसलिए वो जो है मॉडर्न टेक्नोलॉजी को अफोर्ड नहीं कर पाते या उसकी रिक्वायरमेंट को वो महसूस नहीं करते, और इस वजह से अभी भी हमारे खेतों में ज्यादातर खेती के लिए पुराने टेक्नोलॉजी का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, देखिए प्रोडक्टिविटी का मतलब हो गया कि पर हेक्टेयर लैंड में टोटल प्रोडक्शन। तो अभी भी हम लोग जैसे पढ़े कि इतना सारा इनिशिएटिव लिया गया, फिर भी बहुत सारी कमियां हमारे देश में है। मेनली रेनफॉल पर डिपेंड होना, सेमी कमर्शियलाइज होना, यानी अभी भी पूरी तरह से कमर्शियलाइज नहीं होने की वजह से, मेनली प्री स्मॉल फार्मर्स के डोमिनेंस की वजह से जो है हमारे यहाँ जितना प्रोडक्शन दूसरे एडवांस कंट्रीज में, डेवलप कंट्रीज में जितना होता है उसकी तुलना में हमारे यहाँ अभी भी बहुत कम है। तो ये मेन आपके साथ फीचर्स हमारे यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर से रिलेटेड हो गए ना। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंडियन एग्रीकल्चर में क्या क्या प्रॉब्लम्स है। तब तक इस वीडियो में इतना ही, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो फोन करके, कॉल करके, कमेंट करके, मैसेज करके क्वेश्चन पूछ सकता है। थैंक यू।